श्रीमतां वरिष्ठं पातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये विभुत्यंगभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्कवहिनी त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पञ्चवक्त्रम् चंद्र भाल नेत्र अग्निकंठ व्याल डमरू त्रिशूल करधरम् सत्यम शिवम सुंदरम् सत्यम शिवम सुंदरम् सत्यं शिवं सुंदरम् सत्यं शिवं सुंदरम् हनुमान रूप शंकरम् हनुमान रूप शंकरम् मुद्राएं भिन्न भिन्न धारण करें ध्यान मुद्रा युगों नहीं टूटे योग मुद्रा के आसन अनूठे मुद्राए भिन्न भिन्न धारण करे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कोई शिव जैसा अनुरागी नहीं बस जल से प्रसन्न हो जाए के सदा भक्तों पे करुणा लुटाए धर्म रूप अर्थ रूप काम रूप मोक्ष रूप धर्म रूप अर्थ रूप काम रूप मोक्ष रूप सर्व रूप सर्वेश्वरम् सत्यम शिवम सुंदरम् सत्यम शिवम सुंदरम् हनुमान रूप शंकरम् हनुमान रूप शंकरम् चंद्र दिवाकर निश दिन जिसके तेज को शीश झुकाए वही तेज पुंज हनुमान Thank you.
जय महेश्वर, जय महादेव। विश्व के पालक भगवान विष्णु की जय हो। प्रभु, आप मेरे हृदय में सदा निवास करते हैं। आपके भक्ति के बिना मेरी शक्ति अधूरी है। शिव शंकर, आपकी यही भक्ति मेरे स्वरूप का हिस्सा बन चुकी है। उस भक्ति के बिना विष्णु विष्णु नहीं है। मुझ में समाई हुई यही भक्ति शिव की शक्ति के साथ मिलकर हनुमान का रूप धारण करती है। हाँ, मैं वही हनुमान हूं भगवान। हनुमान का वो शरीरधारी रूप मेरे 11वें रुद्र अवतार के रूप में प्रकट होगा, परंतु मेरे भी भीतर भक्ति भावना के रूप में तरंगित होता हुआ हनुमान सदा मेरे साथ ही होता है। वो तो मेरी आंखों के सामने भी रहता है शिवशंकर, आपकी भक्ति के रूप में। जिसकी भक्ति में शक्ति होती है, हनुमान सदा रूप बदल बदल कर उसके साथ हो जाता है। विष्णु की भक्ति और शिव की शक्ति का संगम ही हनुमान का रूप लेकर नया जन्म लेगा शिवशंकर। आइए हनुमान के प्रकट होने की कथा प्रारंभ करें। नारायण 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 नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तथास्तु तथास्तु। परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी, वैकुंठ लोक में आपका स्वागत है। नारायण नारायण। प्रभु, ब्रह्मा के मानस पुत्र होने के नाते नहीं, नारायण के एक भक्त के रूप में मैं दर्शनों के लिए आपकी सेवा में आया हूं। हम जानते हैं नारद, तुम्हारी भक्ति भावना के प्रभाव से ही संसार नारायण के रूप में हमें पूजता है। परंतु हम ये भी जानते हैं कि हर बार तुम्हारे आने का कोई विशेष उद्देश्य होता है। नारायण नारायण, आप तो सर्वज्ञ हैं प्रभु, संसार में आपसे कुछ भी अनजाना नहीं। मैं भला आपको ऐसी कौन सी नई बात बता सकता हूं जिसे आप नहीं जानते? जानना ही सब कुछ नहीं होता नारद, जानने की प्रेरणा जगाना महत्वपूर्ण होता है, और ये कार्य तुम जैसे चतुर भक्ति ही कर सकते हैं। बताओ, इस समय तुम हमें यहां किस विशेष बात का ध्यान दिलाने आए हो? प्रभु, देवों और दानवों के बैर का कहीं अंत दिखाई नहीं देता। आपकी सहायता से देवताओं ने जब जब दानवों को परास्त करने का प्रयत्न किया, वे कुछ देर दबे रहने के बाद एक बार फिर दुगनी शक्ति के साथ देवताओं पर टूट पड़े। इस बार दानवों, राक्षसों और असुरों में एक नया उन्माद जागा है। उन्होंने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा कर इंद्र और देवताओं को वहां से मार भगाया है। देवताओं और दानवों का संघर्ष तो हर प्रलय के बाद नए मनमंत्र के साथ नई सृष्टि को जन्म देता है। देवों और दानवों की भलाई और बुराई की शक्तियां आपस में टकराती हैं, और जब जब दानवों और दुष्ट शक्तियों के पापों का घड़ा भर जाता है, तब तब हमें नया अवतार लेना होता है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। यही जानने के लिए तो मैं आपके दर्शनार्थ वैकुंठ लोक आया हूं। कृपया बताइए, दुष्ट शक्तियों का नाश करने के लिए आप नया अवतार कब धारण करेंगे? आप मौन क्यों हैं प्रभु? मेरे प्रश्न पर आप मौन होकर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं इस समय नहीं दे सकता नारद, इसके लिए तुम्हें अभी लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। लंबी प्रतीक्षा? क्या तब तक पृथ्वी राक्षसों के पाप के भार से दबकर चीखने नहीं लगेगी भगवान? नहीं नारद, उससे पहले कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाओं का जन्म होगा जो सृष्टि और धर्म के इतिहास पर अनोखा प्रभाव छोड़ेंगे। उससे पहले देव दानव एक साथ मिलकर ऐसा कार्य करेंगे जो एक साथ कार्य करेंगे। नारद, तुम देख नहीं रहे हो कि इस समय हमारी सहधर्मिणी लक्ष्मी हमारे साथ नहीं है?
मैं आपसे माता लक्ष्मी के बारे में पूछने ही वाला था, परंतु परंतु तुम राक्षसों के भय से इतने भयभीत थे कि चाहते हुए भी देवी लक्ष्मी के बारे में पूछना भूल गए। इस भूल की मैं क्षमा चाहता हूँ भगवान। बताइए, माता लक्ष्मी वैकुंठ लोक कब पधारेंगी? लक्ष्मी इस समय समुद्र की गहराइयों में अदृश्य होकर विराज रही है नारद। लक्ष्मी देवी के साथ और भी अनेक अमूल्य निधियां सागर के जल में खोई हुई हैं। उन अमूल्य निधियों के बारे में सुन तो रखा है भगवान, परंतु यदि वे समुद्र के जल में अदृश्य हैं, तो वे कब बाहर आएंगी, कैसे आएंगी? उसके लिए देवों और दानवों को मिलकर समुद्र मंथन करना होगा, और समुद्र मंथन के पश्चात एक क्रांति होगी, और उस क्रांति से जन्म लेंगी वे छिपी हुई शक्तियां जो हमारे अगले अवतार का कारण बनेंगी। पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगा। Thank you.
मैं इस सृष्टि को नष्ट होने नहीं दूंगा, यह विषपान मैं करूंगा। धनवंतरी अमृत कलश लेकर निकल आए हैं। अमृत हम देवताओं के लिए है। यदि अमृत देवताओं के लिए है तो हमारे लिए क्या है? यह अमृत हमें मिलना चाहिए पवनदेव, हमें। जैन, नाव का पीछा करो। जो आ गया पिताश्री। Thank you.
भगवान विष्णु की जय हो। त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान हमारा अमृत राहु लेकर भाग गया है। वो अमृत राहु राक्षसों को पिला देगा और वे अमर हो जाएंगे। वो अमृत हम देवताओं को दिलवाइए भगवान, उस पर हमारा अधिकार है। प्रभु न्याय कीजिए प्रभु, अमृत हम देवताओं को दिलवाइए। इंद्रदेव, देवगणों, आपके साथ हुए अन्याय का हम परिमार्जन करेंगे। अमृत पर देवताओं का अधिकार है और वो उन्हीं को मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए। परंतु वो अमृत कब मिलेगा, कैसे? मुझे दो। अमृत पियोगे? आप तो राक्षस सेनापति राहु हैं, ये उतावलापन आपको शोभा नहीं देता। परंतु तुम कौन हो सुंदरी, और अमृत का कलश तुमने मेरे हाथों से क्यों लिया है? समझते राहु महाराज,
अमृत पीने पिलाने के लिए होता है, लेकर इधर उधर भागने के लिए नहीं। ये अमृत हमारा है, इस अमृत पर हमारा अधिकार है। अमृत हमें चाहिए। नहीं, इस पर हमारा अधिकार है। अमृत आप सबको मिलेगा। जिन भगवान शिव ने विष का घड़ा पीकर आप सबको मरने से बचाया, उन्हीं शिव शंकर भगवान ने ये अमृत मुझे आप लोगों को पिलाने के लिए भेजा है। मुझे देखिए, मेरी आंखों में छलकते प्रेम को निहारिए। आप बताइए, क्या मैं आप लोगों के साथ अन्याय कर सकती हूँ? नहीं, नहीं। तो मेरी विनती मानिए, आप दोनों पक्ष अलग अलग पंक्तियों में बैठ जाइए। यानी दानव एक पंक्ति में और देवता दूसरी पंक्ति में। यदि ऐसा है सुंदरी, तो पहले अमृत हमें पिलाइए। नहीं, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकती। अमृत की एक बूंद भी समुद्र के समान होती है। इतना बड़ा अमृत कलश है, एक एक घूंट तो सभी को मिलेगा ही। ठीक है, असुरो तुम पंक्ति लगाकर एक तरफ बैठ जाओ। देवताओं, आप भी एक पंक्ति में बैठ जाइए। सावधान हो जाओ, पता नहीं ये सुंदरी कौन है, परंतु जब हमने इसकी बात स्वीकार कर ही ली है तो अब छीना झपटी करना ठीक नहीं। तुम चुपचाप देवताओं का भेष बनाकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठो और पहले अमृत पालो। हाँ, हमारे साथ धोखा हुआ है, ये देवता नहीं राक्षस है। हमने धोखे का उत्तर धोखे से दिया है। ये मोहिनी देवताओं का पक्षपात कर रही थी। अगर मैं देवताओं की पंक्ति में ना बैठता तो सारे राक्षस अमृत से वंचित रह जाते। राहु को उसकी करने का दंड मिलना चाहिए। हेन्द्र, अब मैं अमृत पीकर अमर हो चुका हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंद्र, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। असुरों को धोखे का परिणाम भुगतना ही होगा। देवताओं, ये अमृत अब तुम्हारा है, परंतु राहु को उसकी करने का दंड अवश्य मिलना चाहिए। अवश्य मिलेगा। असुरों के शत्रु विष्णु, तुमने मोहिनी बनकर असुरों के साथ विश्वासघात किया है, परंतु ये तुम्हारा सुदर्शन चक्र भी मुझे मार नहीं सका, क्योंकि मैं अमृत पीकर अब अमर हो चुका हूं। विष्णु, मेरा सर कट गया तो क्या, लेकिन धड़ केतु बनकर जीवित रहेगा। आप असुर देवताओं को कभी नहीं छोड़ेंगे, और ये सूर्यचंद्र ने मुझ पर उंगली उठाई है, समय समय पर मैं इनको ग्रसता रहूंगा। विष्णु, मेरे ही कारण सूर्य ग्रहण और मेरे ही कारण चंद्र ग्रहण होंगे। उस दिन मैं इन दोनों का सारा तेज छीन लूंगा। राहिमा जय
गुरुदेव। हमें ज्ञात है कि किस उद्देश्य से तुम यहां आए हो वत्स। क्या मंथन से पहले हमसे मंत्रणा की थी? क्या वैद्यराज बलि ने हमारे आदेश की अवहेलना नहीं की वत्स? हमारे आदेश की अवहेलना का अवश्यंभावी परिणाम तुम्हारे सामने है वत्स। हमें ज्ञात है कि राहु का शिरच्छेद हो चुका है। हमें यह भी ज्ञात है कि देवताओं ने छल से अमृत पान कर लिया है। क्या तुम्हारा अमृत पर अधिकार नहीं था? फिर किसकी आज्ञा से, किसके परामर्श से यह बंटवारा हुआ? तुम्हारा भी अमृत पर समान अधिकार था। विष्णु ने पुनः कुटिलता पूर्वक मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों के साथ छल किया है, अन्याय किया है। विष्णु का यह कुकर्म कदापि क्षमा योग्य नहीं है। शुक्राचार्य की कपट नीति इसका समुचित उत्तर देगी। देवों ने हमारे संगठन को चुनौती दी है। क्या आसुरी सेना अशक्त हो चुकी है? क्या देव अपनी पराजय भूलकर मदांध हो गए हैं? बोलो, मुझे इन प्रश्नों का समुचित उत्तर चाहिए। शम, इस समस्या को हल करने के लिए आपका परामर्श और आज्ञा अनिवार्य है गुरुदेव। हमारा मार्गदर्शन करें पूज्यवर। जिसने असुरों से छल किया है, जिसने हमारे पौरुष को ललकारा है, जिसने दैत्य गुरु आचार्य शुक्राचार्य का अपमान किया है, उसे उसके अपराध का कठोरतम दंड दिया जाए। युद्ध का आमंत्रण हो, संगठित होकर देवों का विनाश करो। शुक्राचार्य की नीति से देवों के गुरु बृहस्पति भी नतमस्तक हो चुके हैं। विष्णु यदि कपट नीति में सिद्ध हस्त हैं और देवों को संरक्षण दे सकते हैं, ये मानना तो भारी भूल है। आचार्य शुक्राचार्य इस कपट नीति को खंड खंड करने में समर्थ है। परंतु गुरुदेव, देवगण अमृत पान करके अमर हो गए हैं। नहीं, हमारे नागास्त्र उस अमृत को महाविष बना देंगे। कालनेमी ने भी तो तब से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है और भी अनेक अनेक युद्ध रुद्र से वरदान रूप में प्राप्त किए हैं। इन प्रलयंकारी अस्त्रों का प्रहार विष्णु भी झेल नहीं पाएगा। सुरपुर में प्रलय मचा दो, खंडित कर दो इंद्रासन, छीन लो उनसे शचि। पक्षपात और अन्याय से प्राप्त की हुई संपदा रौंद डालो। तीनों लोकों में हमारा साम्राज्य होगा, आसुरी संस्कृति का रक्षण होगा। मायावी युद्ध लड़ना है और विजयश्री लेनी है। शंभ, जैसी आज्ञा गुरुदेव। तुम अपने दल के साथ सुमाली से मिलो, माली और माल्यवान को रक्षण दो। वे अज्ञातवास में है। अत्र नदी के किनारे गहन गुफाओं में उन्होंने आश्रय ले रखा है। उन्हें निर्भय करके सैन्य संचालन में उनकी सहायता लो। जाओ, निर्भय होकर जाओ शंभ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इन्हीं हेति बाया के वंश में इनका बेटा विद्युतकेश, विद्युतकेश का बेटा सुकेश और सुकेश के सुमाली, माली और माल्यवान, ये तीन बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए। कठोर तपस्या के द्वारा इन्होंने मुझसे वरदान पाकर अपूर्व शक्ति प्राप्त कर ली थी। राक्षस राज सुकेश के पुत्र सुमाली, माली
और माल्यवान की जय। सुमाली माली और माल्यवान की जय। सुमाली माली और माल्यवान की जय। राक्षस वीरों, हमने अपने बलशाली पुरखों का गौरव बढ़ाया है। हमने अब वो शक्ति प्राप्त कर ली है जिसको देखकर मानव तो क्या, देवता भी घबराने लगे हैं। हमने देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा को डरा धमका कर उससे वो अद्भुत कार्य कराया है जैसा कि आज तक किसी देवता, मनुष्य और राक्षस जाति ने नहीं किया होगा। हमने दक्षिण सिंधु के तट पर त्रिकूट पर्वत के समीप सुमेरु पर्वत के शिखर पर 30 योजन लंबी और चौड़ी एक सोने की नगरी विश्वकर्मा से बनवाई है जिसका नाम लंका नगरी है। ये लंका नगरी पूरी सोने की बनी हुई है। वहां के द्वार, परकोटे और महल स्वर्ण निर्मित हैं। ये नगरी ऐसे स्थान पर स्थित है जहां कोई शत्रु नहीं पहुंच सकता। अब हम सब राक्षस लंका नगरी में जाकर अपना निवास करेंगे। राक्षस राज सुमाली की जय। स्वर्ण नगरी लंका की जय। चलो राक्षस वीरों, राक्षस कुल की राजधानी लंका की ओर प्रयाण करो। सुमाली की राक्षस राज सुमाली की सुमाली माली माल्यवान की लंकाधिपति सुमाली की राक्षस राज सुमाली की सुमाली माली माल्यवान की लंकाधिपति सुमाली की राक्षस राज सुमाली की लंकाधिपति सुमाली की राक्षस राज सुमाली की लंकाधिपति सुमाली की राक्षस राज सुमाली की लंकाधिपति सुमाली की सुमाली माली माल्यवान की सुमाली माली माल्यवान की सुमाली माली माल्यवान की। माली और माल्यवान की लंकाधिपति सुमाली की राक्षस राज सुमाली की नगरी लंका की लंकाधिपति सुमाली की राजधानी लंका की राक्षस राज सुमाली की। राक्षस वीरो, स्वर्ण नगरी लंका में रहकर हम अपनी राज्य की सीमाएं बढ़ाएंगे। अब राक्षसों का राज्य पृथ्वी और पाताल ही नहीं स्वर्ग तक फैलेगा, स्वर्ग तक। हम देवों, मनुष्यों और विष्णु को भगवान मानने वाले देवताओं को अपनी शक्ति का स्वाद चखाएंगे। राक्षसों को सर्वशक्तिमान मानने पर उन्हें विवश कर देंगे। जो कोई हम राक्षसों को अपना भाग्य विधाता और सर्वशक्तिमान नहीं मानेगा वो मृत्यु दंड का भागी होगा। राक्षस राज सुमाली माली और माल्यवान की जय। लंकाधिपति सुमाली की जय। लंकाधिपति राक्षस राज सुमाली की जय। राक्षस राज सुमाली की जय। राक्षस राज सुमाली की जय। लंकाधिपति सुमाली की जय। लंकाधिपति सुमाली की जय। राक्षस राज सुमाली की जय। राक्षस राज सुमाली की जय। लंकाधिपति सुमाली की जय। लंकाधिपति सुमाली की जय। राक्षस राज सुमाली की जय। Ha 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 ha
इस धर्मध्वंसी राक्षस सुमाली के अत्याचारों से पूरा पृथ्वीवासी त्राही त्राही कर रहा है प्रभु। इन्हें बचाने वाला आपके सिवाय कौन है? इसलिए भगवान विष्णु आप आइए, इन राक्षसों का नाश कीजिए प्रभु, नाश कीजिए। हे वाचाल ऋषि चुप हो जा, तुम्हारा भगवान विष्णु हमारी विशाल सेना और हमारी अपार शक्ति देखकर वैकुंठ के द्वार बंद करके बैठ गया है। नहीं, निर्बल कायर। हे प्रभु, अब न तो तुम्हें तुम्हारा धर्म बचा पाएगा और न ही तुम्हें तुम्हारा भगवान। हे प्रभु, रन डालो इन सबको, जो कोई भी विष्णु का नाम पुकारे उसका भी इसी तरह अंत कर दो। हे प्रभु।